नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल पेरेड पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज विविध विषय से आठवां वीडियो लेकर आया हूं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से संबंधित है। इससे पहले इस चैनल पर 7 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप पिछले 7 वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं विविध से, ये आठवां वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुँचे। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। आइए आज के इस वीडियो को देखते हैं। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है मैक मोहन या मैक मोहन रेखा, जो कि भारत एवं चीन के बीच स्थित है। इस रेखा पर भारत और चीन के बीच में आए दिन विवाद होता ही रहता है। उस विवाद का मुख्य वजह क्या है, आइए जानते हैं। जो भारत और चीन के बीच में विवाद का मुख्य वजह क्या है, तो भारत और चीन के बीच एक युद्ध 1962 में हुआ था, और इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था, और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। उस समय में भारत गुलाम था, ब्रिटिश सरकार के अधीन में था। तो 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में, ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। बहुत दिनों तक यह रेखा आधिकारिक तौर पर लागू नहीं था। से लेकर 1935 तक यह रेखा अस्तित्व में नहीं आया हुआ था, आधिकारिक तौर पर इनका कोई अस्तित्व नहीं बना था। 1935 ईस्वी में ओलफ केरो नाम का एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस रेखा को लागू करने का अनुरोध किया था। याद रखिए 1914 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में, जो कि 1935 तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ था। 1935 ईस्वी में ओलफ केरो नाम का एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जो आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। इनके अनुरोध के बाद 1937 ईस्वी में, एक डेट को ध्यान में रखिए, 1937 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने आधिकारिक रूप में घोषणा किया। 1914 ईस्वी में समझौता के तहत इस रेखा का निर्धारण हुआ, 1935 तक इसका कोई आधिकारिक अस्तित्व नहीं था। 1935 ईस्वी में आलोफ केरू नाम का अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने अनुशंसा किया, अनुरोध किया जो इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दिया जाए। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1937 में आधिकारिक तौर पर इसका घोषणा कर दिया। इस रेखा का नाम जो मैकमोहन रखा गया वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इस रेखा का नाम निर्धारण किया गया। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया, जो कि अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। ये सर हेनरी मैकमोहन कौन थे, अंग्रेज सरकार का विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन, इनके नाम पर ही मैकमोहन रेखा का नामकरण किया गया। अब इसका देखते हैं जो किस क्षेत्र में फैला हुआ है, कहां से कहां तक है। अधिकांश हिमालय से होती हुई सीमा रेखा पश्चिम में भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर फैली हुई है। यह जो रेखा है वो अधिकांशतया हिमालय से होते हुए पश्चिम में भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक फैली हुई है। चीन इस समझौता को मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन शिमला समझौता को नहीं मानती है। उनका कहना है कि जब यह समझौता हुआ तब तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था। अगर चीन का कहना है, जो तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था, तो उन्हें समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस सीमा रेखा को चीन नहीं मानती है। चीन का जो आधिकारिक मानचित्र है उसमें मैकमोहन रेखा दक्षिण से 56,000 वर्ग मील के क्षेत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जिसे चीन में दक्षिण तिब्बत माना जाता है। तो चीन का जो मानना था, चीन
मैकमोहन रेखा को नहीं मानती है, इसलिए इस रेखा पर भारत और चीन के बीच में हमेशा विवाद रहता ही है, क्योंकि वो जो समझौता हुआ था उस समझौता को चीन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी को लेकर बीच बीच में भारत और चीन के बीच में झड़प होता रहता है। दूसरा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो है 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर की लंबाई है रेड क्लिफ रेखा का। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी को, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। इस सीमा रेखा के बारे में बता दूं, जो रेडक्लिफ रेखा को अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसका कारण है कि जो इस सीमा रेखा पर 50,000 खंभों पर, लगभग 50,000 खंभों पर 1,50,000 तेज रोशनी वाले बल्ब स्थापित किया गया है। तो तेज रोशनी होने के कारण अंतरिक्ष से भी यह रेखा आपको दिखाई देगा। इस रेखा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। इस रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ के द्वारा किया गया 17 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस रेखा को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अंतरिक्ष से देखा जाने का कारण जो है वो है वहां पे अत्यधिक मात्रा में बल्बों का लगाया जाना। तीसरा प्रमुख रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को बांटती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। चौथा महत्वपूर्ण रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो 38वीं समानांतर रेखा और इसके साथ साथ कुछ और भी समानांतर रेखा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो एक है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है, नहीं स्थित थी। वियतनाम जब एकीकृत नहीं था तो उस समय में 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी, लेकिन वियतनाम के एकीकरण के बाद यह दोनों एक हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तब से यह रेखा नहीं है। 17वीं समानांतर रेखा के बाद है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के पास स्थित है। 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ में स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा का निर्धारण करती है। पाकिस्तान के अनुसार यह जो 24वीं समानांतर रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को ठीक ठीक बांटती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करती है। भारत 24वीं समानांतर रेखा को नहीं मानती है। एक और रेखा है जो है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। जर्मनी ने जिसे बनाया था, जर्मनी के द्वारा बनाया गया था सीज फ्राइड रेखा। और हिंडनबर्ग रेखा को प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी, यानी कि हिंडनबर्ग रेखा से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी वहां से अपनी सेना को वापस लिया था। पांचवा रेखा है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। छठा है प्रमुख रेखा में 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में स्थित है। सातवां है मेनरहीम रेखा। मेनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच अवस्थित है। आठवां है ड्यूरेंड रेखा। तो ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो वैसे तो सभी रेखाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ड्यूरेंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इन तीनों रेखा से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में, इन दोनों रेखाओं पर हमेशा जो है विवाद में रहता है। तो ये था कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सीमाएं। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।